अयोध्या पर अड़ंगा नामंजूर। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया, जाहिर है अयोध्या को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। हाँ, पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया गया, लेकिन सवाल यही कि पहले जो लोग फैसला आने के बाद उसे स्वीकार करने की बात कह रहे थे, अब वही इसे सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक लेकर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। नमस्कार, R9 टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य, आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकिन सवाल आज हम चर्चा में इसी पर उठाएंगे कि सुप्रीम फैसले के बाद क्यों अभी भी जंग जारी है। कई गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर तफसील से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। हालांकि खारिज कर दी गई है, लेकिन जंग अभी भी क्यों जारी है। अयोध्या के नाम से विवाद शब्द अभी हटा ही था कि एक नया शगुफा छोड़ने की तैयारी शुरू हो गई थी। शिया प्रसन्नल्लाह बोर्ड के साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा 18 पुनर्याचिकाओं के साथ में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बंद चैम्बर में घंटों की सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हम ये समझ रहे थे कि ये बड़ी खुली हुई चीज है, जिसके लिए कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। इससे ये फैसला कोई सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के अंदर पहुंचा है और सारी दुनिया के बसने वाले लोग ये समझते हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जानिबदाराना फैसला है, कानून की बुनियाद पर नहीं है। ये सौभाग्य रहा कि सब खारिज हो गया और जो राम जी किए और ठीक किए, हमेशा सद्भावना प्रेम से खारिज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मोहम्मदन, सब भारत के ही हैं। भारत में सद्भावना प्रेम बनने के लिए वोट निर्णय दिया गया। जाहिर है एक बार फिर अयोध्या के मसले को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक लेकर जाने की कोशिश हुई। 9 नवंबर के उस ऐतिहासिक फैसले को फिर सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया और फैसले पर सवाल उठे तो सभी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने निकल पड़े। रामविलास वेदांती ने सब कुछ कांग्रेस की चाल करार दे दिया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ती नजर आई। देखिए मैं बताऊं, ये सब कांग्रेस की चाल है। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने अपने शासनकाल में राम जन्मभूमि का निर्णय नहीं होने दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में और 6ठा साल लगते ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश के माननीय जजों ने 40 दिनों के अंदर जो निर्णय दिया है, जिसका देश और विदेश के मुसलमानों ने भी स्वागत किया है। विश्व के 56 देश के मुसलमानों ने राम जन्मभूमि के न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। लोकतंत्र में ये जनता को संवैधानिक अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो पुनः विचार का दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी आदेश अब हो उसको सभी पक्षों को सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या के मसले पर सालों तक चली राजनीति शायद अभी भी कम पड़ गई। एक बार फिर अयोध्या को कटघरे में खड़ा कर उसके बहाने सियासत चमकाने की कोशिश तो की गई, लेकिन सवाल ये कि पहले जिस फैसले को मानने के लिए सब एक साथ खड़े थे, आज उस फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो 18 याचिकाएं जो हैं दायर की गई थी और आज एक बंद कमरे पर जो संविधान पीठ है वो सुनवाई कर रही थी। 5 जजेस थे और एक नए जज थे वो इसमें ऐड हुए थे। बाकी के 4 जज थे वो पहले भी इस पर जब फैसला आया था वो उसमें शामिल थे। तो आज एक सुर में एक मत में ये कहा गया कि 18 की 18 याचिका जो है वो खारिज कर दी जाती हैं, एंटरटेन नहीं की जाएंगी। मेरिट पर भी सवाल उठ रहे थे। 9 याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी पक्षकारों की तरफ से, वहीं अन्य ने 9 याचिकाएं दायर की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 याचिकाएं जो है वो दायर की थी और ग्राउंड दिया गया था, खुद जो फैसला आया है उनके कुछ तथ्यों को उसमें ग्राउंड बनाया गया था, आधार बनाया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में किन्हीं चीजों को गलत मान रही है तो आखिरकार फिर फैसला हिंदू पक्ष में कैसे दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता, आज तो खारिज कर दिए गए ये सारे जो 18 अर्जी लगाई गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब फैसला स्वीकार करने की बात आ रही थी तो अब क्यों जंग जारी है।
ये देखिए R9 के सवाल हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। याचिका दायर करने की क्या जरूरत थी? 18 याचिका दायर की गई थी। अयोध्या के नाम पर राजनीति आखिरकार कब तक होती रहेगी? कोर्ट के फैसले पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? जब एक ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर को दे दिया जाता है तो क्यों ट्रस्ट को लेकर भी विवाद हो रहा है? निर्मोही अखाड़ा आखिरी दिन पहुंच जाता है कि भाई हमारी भूमिका तय की जाए, अभी तक भूमिका हमारी तय नहीं की गई है, तो ट्रस्ट को लेकर भी ये जो है खींचतान चल रही है। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है, क्या याचिका दायर करने की जरूरत थी? अब लोकतांत्रिक देश है और ये आपके पास राइट्स हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब सुनवाई चल रही थी 45 दिनों तक नॉनस्टॉप सुनवाई चल रही थी, तब ये बात सभी पक्षकार कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा वो हमें स्वीकार होगा। जब आप कह रहे थे आपसी सौहार्द की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अब ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है और हमें सर्वमान्य होगा फैसला, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो फिर इस पर रिव्यू पिटीशन की क्या जरूरत थी? क्या वाकई में एक तबका है जिसे ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है? क्या हमें इस पर अभी भी राजनीति करने की जरूरत है? और आज जिस तरीके से वेदांती साहब ने कहा कि कांग्रेस फंडिंग करती है, कांग्रेस के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है डॉक्टर रामविलास वेदांती ने, राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष ने, और कहना है कि पिटीशन फाइल करने के लिए भी कांग्रेस ने फंडिंग की है, सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए, भ्रष्टाचार को लेकर बात हो या फिर आतंकवाद को लेकर बात हो, अब रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात हो, इसमें भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आ जाती है। इसमें भी भाजपा के पूर्व सांसद हैं रामविलास वेदांती, और उनका कहना है कि कांग्रेस साजिश की बू आ रही है, उन्हें साजिश की बू आ रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ये साजिश कौन कर रहा है, राजनीति अभी भी क्यों हो रही है? इतने साल तक, दशकों बीत गए और हम बड़े हुए ये सुनते हुए कि अयोध्या राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, ये विवाद बाबरी विध्वंस, और जब इस विवाद का निपटारा किया गया, सर्वोच्च अदालत ने निपटारा किया, तो क्या आपसी सौहार्द इसमें नहीं बनता कि फैसले को स्वीकार किया जाए जिस पक्ष के फेवर में ये फैसला आया है या जिसके फेवर में नहीं भी आया, क्योंकि बात तो यही हो रही थी फैसला आने से पहले, लेकिन फैसला आने के बाद क्या हो गया? आज हालांकि 18 की 18 याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है, एक मत से 5 जज जो बैठे थे उन्होंने एंटरटेन नहीं करने की बात कही है, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, अभी आगे और भी इस पर जंग जो है वो जारी रहने वाली है, क्योंकि एक तबका है जो ये मानता है कि नाइंसाफी हुई है, एक तबका है जो ये कहता है कि हमें मस्जिद चाहिए, हमें 5 एकड़ भूमि नहीं चाहिए। भूमि को लेकर भी विवाद है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि 5 एकड़ भूमि को लेकर भी विवाद अब हो रहा है, ट्रस्ट को लेकर भी विवाद है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ट्रस्ट बनाने की बात हो गई, अब उसे लेकर भी हिंदू धर्म गुरुओं में जो है खींचतान चल रही है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको गेस्ट से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। बीजेपी के देवेंद्र प्रमुख इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस से मनोज तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, HS रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और स्काइप के जरिए मुफ्ती शमून काश्मी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले काश्मी साहब आपके पास आना चाहूंगी, आज जो याचिकाएं खारिज कर दी गई, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? आवाज सही नहीं आ रही है काश्मी साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही करवाती हूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही थी, याचिका खारिज हुई है, इस पर आपका विचार क्या है जानना चाह रही थी, लेकिन आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, हम फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल फजील अहमद, याचिका लगी थी 18 की 18 याचिका खारिज कर दी जाती है, दोनों पक्ष जानना चाहूंगी पहले तो कि याचिका क्या लगी, साजिश के तहत क्यों लगाई गई, क्या जरूरत थी लगाने की, पहले तो ये बताइए जरूरत थी महसूस हो रही थी? तो अभी एक याचिका और जाएगी इसके खिलाफ भी, अभी क्यूरेटिव पिटीशन में जाने का रास्ता बचा हुआ है, हम लोग उसमें भी जाएंगे, ये खारिज करते रहेंगे, हम जाते रहेंगे, क्योंकि अन्याय हुआ है,
कब तक? बस अब शुरू हो जाएगा, इसके बाद ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद, उसके बाद जो होगा खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम एक भी रास्ता नहीं, हम देखना चाहते हैं कि बेईमानी नाइंसाफी किस हद तक जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल हम प्रश्न कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कहा। अरे हम जब हम जो बात हम पिटीशन में कहे वही यहाँ कह रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट क्या भगवान है? हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। सौ चूहे खा के सुनिए हज को चली, सुन लीजिए साहब, हम कह रहे हैं चूहे खा के, अरे सर सुन लीजिए, हमने कहा ये अरे सर हमने कहा चालू होती है, अरे हमने कहा सर आप तो नॉनवेज खा के नहीं, आप कहे चूहा की बात कर रहे हैं। चूहा जो खा रहा है ना, अभी नागालैंड वाले खा रहे, अन्याय हुआ, अभी नॉर्थ ईस्ट वाले खा रहे, लानत है, अरे नॉर्थ ईस्ट वाले खा रहे चूहा, आप लोग उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अन्याय हुआ, देख लीजिए 600 वर्ष हिंदुस्तान को चूस के खाया आप लोगों ने, खाया उन्होंने मंदिर को लाखों का तोड़ा है, आपके साथ अन्याय हुआ। रावत साहब सुन तो लीजिए, सुन पता तो चलना चाहिए, देखिए रावत साहब पता चलना चाहिए कि जहन में चल क्या रहा है, नहीं जहन में चल क्या रहा है। देखिए लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। एच एस रावत एक बार सुन लीजिए, जहन में चल क्या रहा है, जो दिल की बात है वो सामने आनी चाहिए, वो पता चलना चाहिए। नहीं नहीं देखिए देखिए क्यों खटखटाएंगे, क्यों ये कहा जा रहा था? फजील अहमद, मैं आपके साथ डिबेट में बैठी थी, मैं आपके साथ डिबेट में बैठी थी और मैंने इस पर चर्चा भी की थी, फैसला आने से पहले आपने ये कहा था और आज भी कायम है। लेकिन हम धरना प्रदर्शन नहीं किया, हम सड़क पर नहीं उतरे, नहीं नहीं आपने ये कहा था, आपने ये कहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा सर्वमान्य होगा, फैसला एक पक्षी है, बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी। आप 10 जजों की और दुनिया भर के 5 जजों को बैठा करके आप इस फैसले को विवेचना करेंगे? अगर उसमें मुसलमान जज नहीं था, जज ने कहा छोड़िए मुसलमान, जब एक एंकर मुसलमान सच नहीं बोल पा रहा है तो जज क्या बोलेगा? सिर्फ फाड़ो ना आप लोग, मुस्लिम एंकर मुसलमान था। फजील अहमद ये आप कैसे कह सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है? मैंने तो इसीलिए रावत साहब को बोला, क्या नहीं नहीं आप इस तरह से जो कोट कर रहे हैं कि एक एंकर मुस्लिम होने के बाद अपनी बातें नहीं रख पा रहा, ये नहीं नहीं नौकरी बचाने के, ये आप कैसे कहेंगे, ये आप कैसे कहेंगे, महसूस कैसे, ये आपको राइट किसने दिया? ये हर किसी को अधिकार है अपनी बात कहने का, आप अपनी बात कहिए, लेकिन आपने महसूस कर लिया। देखिए देखिए इस तरह से माहौल को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं आपने महसूस कर लिया। आप कह रहे हैं आप मीडिया के चौथे स्तंभ पर सवाल ये उठा रहे हैं कि एक एंकर मजबूरी है उसकी जॉब बचाना, गलत बात फजील अहमद, गलत बात मत बोलिए, लोकतंत्र है, आप तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र ही नहीं है भारत में, काश्मीर साहब अरे जाने दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं खुद आवाज उठा रही हूँ। देखिए लोग मीडिया पे इतनी गालियां देते हैं, उसके बावजूद मैं आवाज उठा रही हूँ, एक आधी आबादी की आवाज को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि कितने लोग आते हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, गोदी मीडिया कह ले चाहे कुछ और कह ले, लेकिन आप अपने शब्द कोट मत कीजिए, हर लोकतंत्र को ऐसा मत बताइए कि हत्या हो गई है। काश्मीर साहब चलिए एच एस रावत आती हूँ आपके पास, काश्मीर साहब से ले लो, अरे पूछ लेती हूँ रावत साहब, उनका भी पक्ष पूछ लो। हाँ हाँ चलिए चलिए सवाल उठा रहे हैं, चलिए चलिए देखिए काश्मीर साहब को सुन लीजिए जी। ये लोग अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, इन्होंने वादा किया था, हम सब ने वादा किया था कि जो फैसला आएगा उसे हम तस्लीम करेंगे जी। तो अब कोर्ट के ऊपर हमें मुकम्मल भरोसा है, हिंदुस्तान का मुसलमान भरोसा करता है, हिंदुस्तानी भरोसा करते हैं। ये लोग जो रिव्यू पिटीशन में गए थे ये गलत गए थे, इन्हें नहीं जाना चाहिए था, और इन्हें न जाने का कारण, और मैं लॉजिक बताता हूँ, ये है कि इन सबको ये फिक्र हो गई कि मुसलमान हिंदुस्तान का अब अवेयर हो गया है, वो पढ़ा लिखा हो गया है, वो ये जान रहा है कि ये सारे इल्लीगल तो पढ़े लिखे तो हमारे फजील साहब भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, ऐसे उंगली ना उठाइए काश्मीर साहब, ये पढ़े लिखे फजील अहमद के लिए आप क्या कहेंगे? काश्मीर साहब देखिए आपसे कमेंट नहीं मिल पाया, मैं फजील अहमद के पास गई, वो सपोर्ट कर रहे हैं, अब पढ़े लिखे फजील अहमद के लिए आप क्या कहेंगे? ये अफजल गुरु है पढ़े लिखे, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, अगर ये पढ़े लिखे भी ना हो तब भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अल्फाज की मर्यादा क्या होती है। फजील अहमद जवाब आप ही दे दीजिए,
बटे हुए भी है बीजेपी के हो गए। कश्मीर साहब दुनिया जानती है, मतलब जिसने अपने सुर बदले वो बीजेपी के हो गए, उसे बीजेपी ने वोट दिया। ये तो वही बात, मुसलमान कैसे कह सकते हैं? क्या आप कैसे कह सकते हैं? प्यार नहीं, अपने अपने सिद्धांत से जिसको प्यार नहीं, जिसको अपने वतन से प्यार नहीं, जिसको अपने धर्म से प्यार नहीं, वो मुसलमान कैसे हो जाएगा? बात करें मुसलमान का अर्थ आप ही मुझे बता रहे हैं, जिसका ईमान सच्चा हो, जिसका ईमान सच्चा हो, ये आपके कोर्ट से। अरे मैं आप भी कह रहा हूँ तो क्या मैं सड़क पर चलूँगा? जिसका ईमान सच्चा हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ईमान से। अरे सुन लीजिए काशिम साहब क्या कह रहे हैं, कि हमने जो पहले किया था उस पे स्टैंड कराना चाहिए। प्यार नहीं, जिसको अपनी कुरान से प्यार का मतलब क्या है? मस्जिद से प्यार करने का मतलब क्या है? मुसलमान हो जाएगा? इंसानियत से प्यार करना छोड़ दे, इंसानियत से प्यार करना छोड़ दे। अगर हम दोहरा रंग मत दिखाइए फजील अहमद, अगर हम देखिए जिस दिन लोग समझ गए, आपके समुदाय के लोग समझ गए, कहां जाइएगा, किसकी राजनीति कीजिएगा, किसकी राजनीति कीजिएगा? लेकिन क्योंकि एचएस रावत बार बार आपको टोक रहे थे, किसकी राजनीति करेगी वो बताइए। अरे चलिए एचएस रावत क्योंकि बीच में बार बार टोक रहे थे, रावत साहब ये निर्मोही अखाड़ा पहुंच जाती है आखिरी दिन पिटीशन फाइल करने के लिए कि भूमिका बताएं, हमारी एक महीने होने को आया, ये ट्रस्ट को लेकर लड़ाई जद्दोजहद क्यों चल रही? मतलब इतने सालों बाद ऐतिहासिक फैसला आया और मंदिर निर्माण के लिए रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो रहा है, उसमें बंदर बाट लगा हुआ है, सर क्या कहेंगे? ऐसा क्या है जी, जब कोई खुशी होती है ना तो खुशी में कई बार पागल हो जाते हैं, पैसे फेंके जाते हैं तो लोग उछल उछल के उनको लेने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई मैच जीतते हैं ना तो उस ट्रॉफी पे सब लोगों का अधिकार हो जाता है, तो सभी चाहते हैं कि हम उसमें आगे आएं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार के अधीन मामला है, सरकार बनाएगी ट्रस्ट उसमें, और उसमें तो सभी सभी लोग चाहते हैं कि हम बन जाएं। बात नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, सरकार के अधीन है, उसमें मैं भी बोल सकता हूं मुझे ले लो, इतना पेशेंस नहीं है। अजील भाई भी जा सकते हैं, ट्रस्ट बनाने की बात नहीं है। रावत साहब, रावत साहब ट्रस्ट हमको बना दीजिए। देखो कितनी जल्दी पलट गए, जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा ना, अब वैसे उन मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, काश्मीर साहब का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी विरोध कर रहा, और देखो मैंने ट्रस्ट का नाम क्या बोला मेरे को बनवा दो। जिसको अपने इस्लाम से प्यार नहीं, वो काश्मी हो, फाजमी हो, फजी हो, कुछ मतलब। अभी आप तो ट्रस्ट में तैयार हो गए, तो आपको कौन सा प्यार हो गया? सुनिए, मैं इसलिए ट्रस्ट में तैयार हो गया आज इस डिबेट में, ऐसा है मेरी बात सुन लीजिए। अब आप जितना इसमें राम मंदिर सुनिए फैसले के खिलाफ जितना आप जाओगे उतना हमाम में नंगे होते चले जाओगे, और आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हम चंद लोग सीख रहे हैं, अभी पांच सात लोग, अभी सुनिए, पांच सात लोग मुसलमानों की अस्मत को उतार रहे थे, हम तो मस्जिद के बहाने अब लड़ना सीख रहे हैं, अस्मत को अब हम जवाब देना सीखेंगे। हमाम में नंगा करने लगे भरोसे थे मुसलमानों को, बता देते हैं कि ये पार्टी पर हमने मजबूर किया सबको। सुनील कौशिक जी, सुनील कौशिक जी देखिए, चुप रहो सुनील कौशिक, देखिए सुनील कौशिक जी आपने सुना नहीं, नहीं आप दीजिएगा, आप यही कह रहे हैं ना आपकी ट्रस्ट में आपको भी शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा पिटीशन भी खारिज होगा नंबर एक बात, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को वसीयत करके जाएंगे कि तुम अपने बच्चों को अयोध्या लेके जाना जी, और बताना कि 400 साल हम यहाँ नमाज पढ़े हैं, और एक संघी तो जो है मस्जिद तोड़ करके यहाँ भगवान राम को स्थापित किया, इसके लिए किसी ने रोका है? इसीलिए रोका, ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है फजील अहमद, फजील अहमद ये हमारे देश की खूबसूरती है। फजील अहमद एक मिनट, रावत साहब, रावत साहब, रावत साहब, रावत साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रावत साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फजील अहमद ये भारत की खूबसूरती है कि हम हमारा भारत, हमारा संविधान, एक मिनट, ये इजाजत देता है कि आप अपने बच्चों को विरासत में जो भी बता के जाना चाहते हैं आप जाएं, आप ये इतिहास भी बताएं, इससे हमें दो राय नहीं, लेकिन 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 दोहरा चरित्र अपना मत बताएं, आप ये भी साथ में बताएं अपने बच्चों को फजील अहमद कि ये हम थे जो फैसला आने से पहले हम कह रहे थे कि सर्वमान्य होगा, लेकिन फैसला आने के बाद हम पलट गए, ये हमारा दोहरा चरित्र है, ये जरूर बताएगा। सुनील कौशिक जी, श्वेता जी ये कह रहे 400 साल, 400 साल पहले ये हिंदू थे। अरे रावत साहब, फिर ये हिंदू मुस्लिम में आप फंस गए, फिर आप हिंदू मुस्लिम, आज हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। सुनील कौशिक, सुनील कौशिक, एक मिनट, एक मिनट, मुझे डिबेट को आगे ले जाना। सुनील कौशिक, हो गया, हो गया, एक मिनट, डिबेट को आगे ले जाना है। अब देखिए हिंदू मुस्लिम कहां कहां चले गए, सिंपल सा बात है सर, आप फ्री है ना, आप अपने बच्चों को इतिहास बताइए, साथ में ये भी बताइए कि हम फैसले के साथ थे, फैसला आया तो हम पलट गए, ये हमारा दोहरा चरित्र था, ये जरूर बताइएगा फजील अहमद।
सुनील कौशिक, ये जो निर्मोही अखाड़ा पहुंच जाता है और ये ट्रस्ट की जो लड़ाई हो रही है, और पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से ट्रस्ट को लेकर बात आ रही है कि पहले से ट्रस्ट है उसी को आगे बढ़ाए, सरकार ये करे तो हमें शामिल करे, ये अपने अंदर ही इतनी लड़ाई क्यों? ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह नहीं करती है कि हम जिस लड़ाई को इतने लंबे समय तक लड़ चुके हैं और अब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है तो फिर आप अपने आपस में ही लड़ रहे हैं? ये किस तरह का आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? श्वेता, जितने संगठनों के ये बयान आ रहे हैं उन्होंने एक लंबी लड़ाई राम मंदिर को लेकर लड़ी है और उनको अपेक्षा है कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तो उनका उसमें योगदान होना चाहिए और ये अपेक्षाएं पालना लोकतंत्र है हमारा, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन सरकार जितना लेट करेगी मुझे लगता है उतने ही विवाद की स्थिति बनेगी, इसलिए सरकार को 3 महीने का समय दिया है। मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले ट्रस्ट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कौन कौन होंगे, कमेटी बना करके ये प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी तो लगता है कि सारे मुंह बंद हो जाएंगे और ये अपेक्षा रहेगी कि हम किस तरीके से भव्य राम मंदिर के निर्माण में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये तो लेकिन श्वेता मुझे पहली बार डिबेट में बड़ा दुख हो रहा है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट को क्या कह रहे हैं, अभी क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी की गई, क्या मीडिया के ऊपर टिप्पणी की गई, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये चेहरे कलंकित चेहरे हैं मुसलमानों के नाम पर, और इनको जैसे मॉब लिंचिंग, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जो मॉब लिंचिंग के उदाहरण आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं मुझे भी आरोप हो जाएगा ना, मैं भी मोदी मीडिया हो जाऊंगा तुम्हारे कहने से, मैं भी मोदी मीडिया हो जाऊंगा। फजल साहब ये ध्यान रखो कि तुम जैसे चेहरों को कुचलना इस प्रशासन पे आता है, ठीक है कि नहीं? तुम जैसे कलंकित चेहरे, आप सुनिए ना, ये देश की खूबसूरती है, ये देश की, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, ये देश की खूबसूरती है कि आप, अरे सुनिए ना, जो व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा आप जैसे कलंकित चेहरे, आप जैसे लोगों को, मैं बता रहा हूँ, हम भागने वाले नहीं हैं, बिल्कुल मत भागो, कौन बना रहा है आपको, आप कौन बना रहा है, आप जैसे लोग, जिस तरह से आप सुनिए ना, आप जैसे लोग ऐसी हरकत करेंगे अपने आप भागेंगे, मैं बता रहा हूँ। अरे कोई नहीं, आप हर संवैधानिक ढांचे में लगा लीजिए, ऐसे कुछ लोग, सुनील कौशिक जी, मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग ही हैं, चंद मुट्ठी भर, ऐसे सुनील कौशिक, मुझे ऐसा लगता है कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं चाहते कि विवाद का अंत सही तरीके से। आपने 4 स्तंभ है इस देश के, 2 स्तंभों पे आपने कसूर मार लगा दिया, नहीं 2 स्तंभों पे कसूर मार बच्चा बच्चा रिफरेंडम करा दीजिए, मीडिया के बारे में आप रिफरेंडम कराइए, आपके क्या लोग करते हैं, तुम जैसे कलंकित कह रहे हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग मीडिया के बारे में, आप जनता फजील अहमद, आप एक उंगली उठाते हैं नजर, एक उंगली उठाते हैं नजर, 3 उंगली आपकी तरफ होती है, 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 फजील अहमद, फजील अहमद, आप मत बताइए, तुम बोलोगे तो आप बोलोगे तो मुझे बोलना नहीं सकते, हमको मैं कह रहा हूँ, आप क्या है, आप जैसे लोग, आप जैसे लोग आतंकवादी सोच के लोग हैं, और आप जैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, आतंकवादियों के साथ व्यवहार होता है। काश्मी साहब, बिल्कुल काश्मी साहब, बस लेट मी कंटिन्यू, इस तरह से डिबेट आगे नहीं जा सकती, इस तरीके से डिबेट आगे नहीं जा सकती, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी फिर ऐसे। फजील अहमद, 1 मिनट, सुनील कौशिक जी जो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं ना काश्मी जी, भी बैठे हैं, काश्मी जी, चंद, एक मिनट, सुनील कौशिक, नहीं देखिए कोई सुन नहीं पाएगा, देखिए कोई सुन नहीं पाएगा, मैंने तुरंत उनको बोला, मैंने काउंटर किया सुनील जी, देखिए कई बार ना जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, टॉक टू माई हैंड। काश्मी जी आप बताइए, ये जो कह रहे हैं, ये दोहरा चेहरा जो दिखता है, ये चंद मुट्ठी भर लोग कहां से इकट्ठा हो जाते हैं जो अपने कौम को भी बदनाम करते हैं, वो कह रहे हैं वही सच्चे मुसलमान है, वो जो सोच रहे हैं वही सच्चाई है। काश्मी जी अरे सुन लीजिए ना, आपके समुदाय के लिए ना, अरे फजील अहमद सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, चलिए पेशेंस रखिए, इनसे कहिए जरा खामोश रहें। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान इतना प्यारा है और हम बरसों से
एक साथ रहते आए हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारे नफे और नुकसान एक हैं, और मस्जिद और मंदिर ये तो ईंट और गारों के होते हैं। इंसानियत अगर खत्म हो गई, किसी इंसान को नाहक नुकसान पहुंच गया, तो वो मस्जिद और मंदिर से ज्यादा उसकी अहमियत है। वाह, क्या बात कही। हर धर्म के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके जरिए से, इनसे, सारे लोगों से, कि जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल सही था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सब ने ये कहा था कि हम इसे मानेंगे। उसमें जफरयाब जिलानी भी हैं, मुस्लिम प्रसन्नता बोर्ड भी हैं, उसमें तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, और मैं खुद उसका साक्षी हूं, वहां बैठे हुए थे, सबने कहा था हम जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे, और जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये चाइना के एजेंट है, ये चाइना से खाते हैं पैसा, चाइना के भाषा बोलना शुरू कर दिए, ये लोग देश को तोड़ने के लिए, अमेरिका के एजेंट है, देश को तोड़ने के लिए मीडिया के द्वारा पैसे घुस रहे हैं, ये एजेंट है ये लोग सीआईए के। हाँ काशिम साहब ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए कि एक तबके को आगे आना चाहिए। देखिए सर काशिम साहब ये होना जरूरी है कि एक तबका जब है, जब डिवाइड हो रहा है, आप खुद ये कह रहे हैं कि हमने बैठकर बातचीत की थी, उस समय ये हुआ कि हम मानेंगे, अब नहीं मान रहे, तो क्यों नहीं आपके समुदाय से लोग आगे आके कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों से बचिए जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, इस तरह पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं होनी चाहिए थी और खारिज हुई है, तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको बता दूं, आप इनके भरम में अब लोग आने वाले नहीं है, इनकी जो दुकानें हैं, जो फैक्ट्रियां बन गई थी, जो इलीगल पैसा इन लोगों के पास है, ये उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और आज हिंदुस्तान का मुसलमान देखिए, जितने भी आई हैं उसमें लोगों ने भरम पैदा करने की कोशिश की। अभी कैब के बारे में दे दीजिए, एनआरसी के बारे में दे दीजिए, आप भरम पैदा कर रहे हैं, पॉइंट है ना, फजील अहमद क्या हवा हवाई बातें कर रहे हैं, काश्मीर साहब क्या हवा हवाई बातें कर रहे हैं, जिसको अपनी मस्जिद से प्यार नहीं, जिसको इस्लाम से प्यार, इतनी अच्छी बात, इतनी खूबसूरत बात कही फजील अहमद कि देखिए उस मस्जिद उस मंदिर को लेकर क्या करेंगे, जब एक सामने में इंसानियत शर्मसार हो जाए, ऐसे मंदिर मस्जिद को लेकर हम क्या करेंगे, और आपको उस बात में भी राजनीति दिख रही है, नहीं तो क्या वाकई में राजनीति कराई जा रही है, जो वेदांती जी कह रहे हैं क्या वो सही है, इसका जवाब तो मनोज तिवारी दे पाएंगे। चलिए काश्मीर साहब, आती हूँ एक बात अपनी पूरी कर दूं। देखिए ये जो लोग आज भ्रम पैदा कर रहे हैं, दरअसल इनका कोई भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आज तक इन्होंने कोई भी ऐसे संगठन का इंतखाब नहीं कराया, उसका चुनाव नहीं कराया, इनका ये पता नहीं कि इनका क्राइटेरिया क्या है, मुस्लिम प्रसन्नता बोर्ड हो या और अन्य संगठन हो, तो ये मुसलमानों में अवेयरनेस अब आती जा रही है, वो समझ रहे हैं इन लोगों को, तो ये ऐसा भ्रम टीवियों पर ना फैलाएं, ये मुसलमानों की आवाज नहीं तो क्या नहीं, फंडिंग हो रही है, अब तो सवाल उठता है काश्मीर साहब की, जो कह रहे हैं भाजपा के पूर्व सांसद कि कांग्रेस जो है फंडिंग कर रही है, मनोज तिवारी, फंडिंग की जा रही है, इसीलिए रिव्यू पिटीशन दायर की गई, अभी क्या षड्यंत्र लग रहा है, उधर खुद कह रहे हैं शमून काश्मीर, श्वेता जी ये इसलिए है ताकि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने ये समझा किस पैनल में हम भी बैठे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको एक बात नहीं बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। दरअसल कांग्रेस को अब आप ये कह रही है, कांग्रेस से ये प्रश्न पूछ रही है जिसके लाशों पर भारत का निर्माण हुआ है, आपने ये प्रश्न पूछा है, एक मिनट, श्वेता जी आप भी क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, जवाब तो सुनिए, कंप्लीट कीजिए, अरे आपने कहा यहाँ बैठे हर शख्स जी, रामपाल जी, आसाराम जी, इनके तमाम स्टेटमेंट आएंगे और ये कांग्रेस के संदर्भ में बोलेंगे, अरे मेरी बात सुनिए कांग्रेस स्पष्ट मानती है हम देश के सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत करते हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, राम हमारे लिए चर्चा के विषय इसलिए नहीं है राजनीति में कि राम हमारे आदर्श हैं। दूसरी बात, धर्म को हम राजनीति में घसीटना नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट ये पहले से तय था, न्यायालय का जो फैसला होगा उसको पूरा देश मानेगा, हम देश के नागरिक हैं, हम ठीक है राजनीतिक संगठन के लोग हैं लेकिन सबसे पहले हमारे लिए देश है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस फैसले का हमने स्वागत किया। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं
अब राजनीति की बात हो जाए, 2022 तक आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि इन लोगों की राजनीति यही है। देखिए कितना अच्छा डिबेट हो रहा है, लोकतंत्र की खूबसूरती का धज्जियां उड़ाने का काम चल रहा है। अरे भाई, राम मंदिर ये सब प्रकरण चलते रहेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। अब 2024 तक मंदिर को कितना लंबा खींचा जाएगा। देवेंद्र जी, मनोज तिवारी का कहना है कि बनाएंगे नहीं राम मंदिर, क्योंकि इस पर राजनीति करनी है और राजनीति अपनी चमकानी है। इस पर जो है बीजेपी राजनीति कर रही है और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि राजनीति हम कर रहे हैं, फंडिंग हम कर रहे हैं। श्वेता जी, हम कहना चाहेंगे, वैसे तो बहुत गर्मा गर्म डिबेट होगी है, कि ये सवाल जो आपने हमसे क्वेश्चन किया इसमें हमें दम ही नहीं लग रहा, क्योंकि जो हम पे उंगली उठाने वाले लोग हैं कम से कम वो एक बार अपने गरबा में ये झांक लें कि हमें सलाह देने से पहले उनकी हालत क्या है, वो इस लायक है भी या नहीं। हम 2022 तक बनाए, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि 2022 लड़ते लड़ते 72 साल का समय आप लोगों ने ले लिया इसमें, और हमारी 2 साल की टेंशन हो रही है आपको। अरे हमारा काम है, हमें बनाना ना, हम बनाएंगे। तुम अपनी क्यों चिंता कर रहे हो? तुम देख के अपना हिसाब देखो ना, तुम्हें क्या जवाब देना है। तुमने 70 साल इस देश को घुमा के रखा है, 70 साल से राम मंदिर का मुद्दा लड़ते लड़ते माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यहीं था, आपकी सरकारें यहाँ थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी यहीं थे। ताला खुलवाया, आप तो उनका भी तो बहुत बड़ा अधिकार है, उनका क्लेम खत्म कर रहे हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। ताला खुलवाया तो फिर उसमें ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया तो इनका भी तो बहुत बड़ा क्लेम बनता है। हमका भी तो क्लेम बनता है, तो यही तो कह रहे हैं। कांग्रेस ये भी कहे कि हम ताला खुलवाया, आप कांग्रेस को डिनाई नहीं कर सकते। हम राम मंदिर के साथ खड़े हैं, 370 के साथ, आज राम मंदिर का अस्तित्व में है तो कांग्रेस की वजह से, आप कांग्रेस को डिनाई नहीं कर सकते। अरे एनआरसी के मुद्दे को भी उठा लो साथ साथ, आप वहाँ जो बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं, आज तो इस पर ही बात कर लीजिए देवेंद्र जी, मुस्लिम की भी आज देवेंद्र जी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बार बार ये जगाने की कोशिश कर रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में था और हमने कर दिया। देवेंद्र जी फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, फिर क्रेडिट आप क्यों लेना चाह रहे हैं? क्रेडिट आप क्यों लेना चाह रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश को पाकिस्तान क्रेडिट क्यों लेना चाह रहे हैं सर? क्या मतलब हुआ? फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, सर्वमान्य होगा, ये सभी ने कहा था, हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, अब क्रेडिट क्यों लेना चाह रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि क्रेडिट आप ले लें? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में था। हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, मेरे सामने क्रेडिट दिया देश की जनता ने, वक्ता से मैं फिर कह रहा हूं, 125 करोड़ लोगों ने जितना बोला है वो लीजिए, हर जवाब है प्रश्न का जवाब दे। अरे भाई, आपकी आवाज के डबल लाउड की आवाज मेरे पास है, बोल लीजिए, बोलिए। मैं आपको बताता हूँ कि राम मंदिर से लेकर के देश में जो आपने फैला रखा है मामला, उसका पूरा तुरंत जवाब है मेरे पास, कि हम आपको बताता हूँ कैसे मंदिर को बनाएंगे। आप बोल लीजिए, आपको पूरा समय दिया जा रहा है। श्वेता जी, आप समय दे रहे हैं, मुझे भी समय दे, आपको बाहर कर दिया। आपकी बात का जवाब आपने बोल लिया, अभी भी आपको बोलना है तो बोलिए, बिल्कुल बोलूंगा, बात का जवाब देता हूं। देवेंद्र जी जब आप कांग्रेस के सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आप पर इसलिए आया कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। मनोज तिवारी आपके जो नेता हूं मैं, मनोज तिवारी मैं बताता हूं, आप सुनिए, आप सुनने की कोशिश कीजिए, सुनना तो आपको है नहीं। अरे इनको एक ही भाषा आती है, इनके दिमाग में, इनके किताब में जो नागपुरिया किताब है उसे एक ही चीज निकलता है, पॉलिटिक्स ही गेम हमारे दिमाग में पाकिस्तान राजनीति शोर शराबों का खेल, इनको चिल्ला लेने दीजिए। अरे तुम्हारे अरे आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए। आप कुछ पॉइंट रख रहे थे मनोज जी, आप कुछ पॉइंट रख रहे थे, पॉइंट रख भारत का खाते हैं, भारत मैं आपको बताता हूं, और पाकिस्तान मैं आपको बताता हूं, आपका डीएनए मैं आपको बताता हूं, कब से सुनाइए, देखिए मैं शुरू करता हूं, लड़ाई लड़ो जाके, अरे सुनिए हमारी बात, नकार दिया इसने, सुनिए हमारी बात, नकार दिया इसने, आपको पता है राम मंदिर नकार दिया, बात किसने की थी, नकार दिया, आप बताइए, अगर इस चैनल के माध्यम से बताइए कि राम मंदिर का मामला किसने शुरू किया था, आप बताइए, बताइए, आपको दम हो तो बताइए, आपको तो कुछ समझ में आता ही है, आपका देश बिना मतलब का, बिना पेंदी का लोटा है, आप लोग भारत की जनता है, लोग देवेंद्र जी धर्म को बेचते हैं, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, आप क्या बात करिएगा, लोग भूखे मर रहे हैं, है जवाब आपके पास? अरे राम को बेचना बंद कीजिए, राम का व्यवसाय खत्म कीजिए,
अभी देश आपको आपको सुन रहा है, आपको यही नहीं पता है कि राम मंदिर का आंदोलन किसने शुरू किया था? अरे देवेंद्र जी आप बताइए ना, चलिए बताइए। नहीं नहीं देवेंद्र जी एक मिनट, मनोज तिवारी, हो गया। मैं देवेंद्र जी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। इतने दिनों से अगर सरकारों को करना होता तो ऐसा नहीं है कि सरकार कांग्रेस की नहीं रही या आपकी नहीं रही, लेकिन फैसला एक मिनट, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, क्रेडिट लेने की कोई कोशिश ना करे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस मामले पर तो ना करे। एक और सवाल था देवेंद्र जी, एक और सवाल था, निर्मोही अखाड़ा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि भाई हमारी भूमिका तय की जाए, वो क्या भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर? अखाड़े को ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है, ट्रस्ट बनेगी और उसके ऊपर ये बात हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि निर्मोही अखाड़े का रोल प्ले रोल होगा, लेकिन लेकिन क्यों क्यों निर्मोही अखाड़े को ऐसा लग रहा है कि हमें शायद भूमिका हमारी ना हो? और लाखों कटवा दिया और फिर भी राम मंदिर, राम को नंगे छोड़ के भाग गए। अरे अरे ये इसमें के मनोज जी, मनोज जी एक बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने में ट्रस्ट को तैयार करना है और रिपोर्टिंग करनी है, इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल है, 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, 2022 तक ट्रस्ट को कैसे लटका देंगे? मैं आपको बोल रहा हूं, चैनल से बोल रहा हूं। अरे रावत साहब एक बात बताइए, रावत साहब चलिए आप ही सवाल का जवाब दे दीजिए ना। देखिए देवेंद्र प्रमुख को बचते नजर आ रहे हैं, और सुनिए देवेंद्र जी बचते नजर आ रहे हैं इस सवाल से। मंदिर तो ये तभी बना रहे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, मैं आपको उसी के नाम पर इनकी सरकार आई थी। अरे हो गया ना, हो गया ना, इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे। मनोज जी पता है कांग्रेस की विडंबना क्या है कि पत्ते जो है वो खोलती तो बीजेपी है, नहीं नहीं पत्ते खोलती बीजेपी है और आप बस आप उस पर खेलते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा। देखिए आप देखिए पन्ने आप खोल रहे हैं तो पन्ने वो खोलेंगे, बात यही है। बीजेपी चाहती है कि इस पर चर्चा हो कि किसने क्या किया, बीजेपी चाहती है चर्चा हो कि किसने क्या किया और क्रेडिट उनको जाए, अनसेड बट क्रेडिट उनको जाए और आप उसमें कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। रावत साहब, राम मंदिर आंदोलन का, राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत, आप मुझे आगे ले जाने देंगे डिबेट को? इनको रखने दीजिए, नहीं देवेंद्र प्रमुख एक बात बताइए, 1 महीने से ऊपर एक महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, क्यों ट्रस्ट के लिए अभी तक उस तरह की सुबह क्यों निर्मोही अखाड़े को ऐसा लग रहा है कि शायद भूमिका उनकी तय ना हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्लियर करें ना, हमने निर्मोही अखाड़े से बात की ना हमने किसी के, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात की है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके अधीनस्थ हमारी सरकार काम कर रही है। वो शास्त्री जी ने बता दिया 3 मंथ के अंदर अंदर वो टाइम है उसमें कमेटी बन जाएगी। और रही राम मंदिर की बात, वो हमारी सिरदर्दी है, हमारी चिंता ना करें, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें कांग्रेस वाले, इनका ब्लड वहां मिलता है, ये जेनेटिक है इनका बांग्लादेश, ये तो उसकी बात करें पाकिस्तान की। 70 साल से इन्होंने हमारे रुपए का आदमी हमारे सिर पर रखा है, उसके बाद इस तरह से डिबेट किसी और चले जाए, बात पाकिस्तान की करते, यही है इनका लैंग्वेज। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़ो हमारे भारत के, बात करते हैं पाकिस्तान की, खाते हैं श्वेता जी को, मैं बताता हूँ पाकिस्तान का, श्वेता जी मैं इनका जवाब देता हूँ, मैं इनका, सुनिए हमारा जवाब। शमून काश्मी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, शमून जी बोलिए, यहाँ कुछ ज्यादा ही वातावरण जो है गर्मा गर्मी का हो गया है, आप क्योंकि दूर बैठे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं ऐड ऑन कीजिए। एक मिनट मनोज तिवारी जी, अरे मनोज तिवारी जी सुन लीजिए, आप दोनों क्या कह रहे हैं किसी को सुनाई नहीं दे रहा। अरे शांत हो जाइए, एक मिनट, इस तरीके से आप एक दूसरे के प्रति भी देखिए, इस तरीके से ऐसे कह रहे हैं ना, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है, डिबेट ना ऐसे कोई नहीं समझ पाएगा, हम किसी एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। सर एक मिनट बोल लेने दीजिए, कुछ बहुत देर से काश्मी साहब बोलना चाहते हैं, काश्मी साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, वो उनका मंदिर का फैसला आया और सारे देश ने सहर्ष उसे स्वीकार किया है और मुसलमानों ने, जैसे अभी एक आवाज बहुत अच्छी आई थी कि भाई हमारे भी हमारे वो आइडियल हैं और तो उसमें हमें कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
आगे पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम पुरानी बात बोले जा रहे थे और नई बात बोले ना। हम सबके आदर्श है फैसला आया है ये हमारी एकता को मजबूत करेगा और इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि देश का जो शासक है या जो इस वक्त सरकार है वो प्रशंसनीय है इसके लिए कि जिस तरह से तेजी के साथ सुनवाई हुई और आज ये फैसला आया तो यकीनन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उसका क्रेडिट जाता है। शमून काश्मी आपकी ये बातें यहाँ बैठे फजील अहमद को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मुस्कुरा रहे हैं, आप पर ही आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली उठा रहे हैं, तो आप किस तरीके से जाना चाहते हैं? आप क्या वैसे की पार्टी से टिकट चाहते हैं क्या? क्या फजील अहमद क्या आप चाहते हैं कि उन्हीं की पार्टी लाइन की बात बोली जाए, उन्हीं की पार्टी लाइन की बात बोली जाए? चलिए ये उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है ना काश्मी साहब की जल्दी से जल्दी सरकार जो है काम करेगी? और यदि हो गए अब हमें आगे की बात करनी चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पीछे हो गया बीत गई सो बात गई, फैसला हो चुका था 9 नवंबर को और आज खारिज भी कर दिया गया जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। अब आगे की बात यदि ये जिस तरीके से ट्रस्ट को लेकर लड़ाई हो रही है और यहाँ पे बैठे रावत साहब भी कह रहे हैं और देवेंद्र जी भी कह रहे हैं कि 3 महीने का वक्त है भाई तो हम 3 महीने में बनाएंगे, लेकिन निर्मोही अखाड़ा अगर चला जाता है और बीच में देखिए किस तरीके से धर्म गुरुओं के बाइट्स भी हमने सुना कि ट्रस्ट को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है, ये अच्छा संदेश नहीं जाता है एक समाज की तरफ। लगता है कि जैसे इतनी बड़ी लंबी लड़ाई में हम साथ रहे लेकिन जब ट्रस्ट को बनाने की बारी आ रही है, जब मंदिर निर्माण की बात हो रही है तो हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने का इन्हें मौका मिल जाता है जो फजील अहमद जैसे लोग बैठे हैं कि ये देखिए आप लोग में तो खुद लड़ाई हो रही है। देखिए श्वेता जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सबने स्वीकारा और बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि निर्मोही अखाड़े के पिटीशन को उन्होंने खारिज किया और ये कहा कि निर्मोही अखाड़ा वहाँ प्रबंधक के रूप में रहेगा। तो निर्मोही अखाड़े की भूमिका तो स्वतः तय कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, प्रबंधक था, सेवादार था, सेवादार की हैसियत से आज भी है और कल भी रहने वाला है। तो निर्मोही अखाड़े को अगर जाता है तो मुझे लगता है कि इस विवाद को पटल पे नहीं आना चाहिए और संतों की जिम्मेदारी है कि वो एक नए भारत में नई शुरुआत करें। आज जिस तरीके की छिछालेदर हम देख रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए। एक और बात श्वेता जी, ये मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद हमारे सरकारों के साथ नहीं है। उसका कारण है कि हमें बहुत उम्मीद थी कि सरकार इसका निर्माण करेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उससे हम संतुष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दायित्व दिया है ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर निर्माण की भूमिका को प्रशस्त करने का, तो इसमें कोई संशय का विषय ही नहीं है। और फजील अहमद जैसे लोग या और इस तरीके देखिए और इस तरीके के लोग वो निश्चित सुनिए, श्वेता जी ने आपका नाम लिया, श्वेता जी ने आपका नाम लिया और जो भी कोई है जो भी या मनोज तिवारी जी जैसे लोग, देखिए ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। हम तो नकारे इस देश में राम के अस्तित्व को, मैं सिर्फ आपका नाम ले रही हूँ, मैंने मनोज तिवारी जी को भी कहा है लेकिन आपका यतिमा क्या आप ये अपील करेंगी, आप धर्म गुरु आचार्य जी सुनिए हमारी बात, यतिमा क्या आप ये अपील करेंगी आपसे मतभेद जो है वो सामने ना आए? धर्म गुरु आचार्य जी नहीं, क्योंकि देखिए बात जरा सुनिए, राम का पेटेंट नहीं करवाया आपने, पेटेंट करा के भगवा वस्त्र पहन के और लोगों को गलत दिग्भ्रमित करने का काम टेलीविजन चैनल पर मत कीजिए। यही तो बीजेपी कहती है सर, गांधी को पेटेंट नहीं करवाया आपने। सुनिए ये देखिए, आपसे बड़े हिंदू हम हैं, एक गांधी की लड़ाई लड़ते हैं और एक कह रहे हैं राम की लड़ाई, ये दो बड़ी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे पर छिटाकशी करती है कि आपने पेटेंट नहीं कराया। सुनिए सुनिए, आसाराम को आदर्श मानने वाले और सुनिए सुनिए, चारित्रिक प्रमाण पत्र हम लोग जानते हैं आप लोग का, हम लोग आपका चारित्रिक प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप धर्मगुरु आचार्य हैं, मनोज जी
शांति शांति, आसाराम जी का आप कई बार नाम ले चुके हैं, आसाराम जी को जगह ट्रस्ट ये तो मनोज तिवारी का ही नाम ले रहे हैं, क्या बात करते हैं? सुनो देखिए ऐसा है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आसाराम को मानने वाले आसाराम को जगह जितनी भी ट्रस्ट को दी वो कांग्रेस ने दी, अपने को ज्ञानी मत बताइए, सिक्योरिटी को किसी और नहीं ले रहे हैं मनोज जी, बिल्कुल नहीं नहीं, रावत साहब एक मिनट, रावत साहब, मनोज तिवारी, फजील अहमद, प्लीज रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक दूसरे में मत ऐसे उलझिए, आज टॉपिक कुछ और है, प्लीज इसे डाइवर्ट मत कीजिए, प्लीज डाइवर्ट मत कीजिए, फजील अहमद आपसे सवाल है, एक मिनट फजील अहमद, सवाल आपसे, चलिए हाँ तो प्लीज मनोज जी प्लीज पूछ लेने दीजिए, पूछ लूँ सवाल, फजील अहमद, 5 एकड़ जमीन की बात हो रही है, ये भी दो सुर सुनाई दिए हैं कि हमें नहीं चाहिए, खैरात में हम नहीं मांग रहे हैं, हमारी लड़ाई इसकी नहीं थी, हमें क्यों दिया जा रहा है, लेकिन शिया समुदाय तो कुछ और कह रहा है, आपको नहीं चाहिए हमें दे दो, शिया समुदाय तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, नहीं नहीं तो अरे भाई मुस्लिम है ही नहीं, उन्हें जानी नहीं है, अच्छा हाँ तो क्या नहीं, अब चलिए आप उदाहरण दीजिए, मैं सुनना चाहूंगी, नहीं आप कहिए पक्षकार हो ना हो, सुनिए इकबाल अंसारी को आप लाइक करते हैं ना, आप तो कह रहे हैं इकबाल अंसारी अच्छे आदमी है, आप सुनिए 5 एकड़ जमीन इकबाल अंसारी साहब को चाहिए, नहीं ये तो सुनने और किसी को नहीं चाहिए, ये 5 एकड़ जमीन अभी इकबाल अंसारी साहब ने कहा है, आधा कर रही एक मुसलमान है वही मुस्लिम है, एक मिनट, इकबाल अंसारी ने आज कहा है कि हमको 5 एकड़ जमीन अधिगृहित जो 57 एकड़ जमीन है उसमें दे दीजिए, तो अब तो इकबाल अंसारी बुरे हो जाएंगे, कल से आज उन्होंने सही बात बोल दी तो कल से इकबाल अंसारी बुरे हो गए, बुरे होंगे या नहीं ये बताइए, ये जो लड़ाई ये जो आप लोग कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, 5 एकड़ क्या, 5 इंच बहुत, ऐसे लोगों से हमने बात की जो खुश है कि ठीक है 5 एकड़ जो भूमि दी जा रही है उसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है हॉस्पिटल बन जाए, कॉलेजेस बन जाए, यूनिवर्सिटीज बन जाए, आपका नाम फजील अहमद होता तब पूछते आपसे कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, तब भी खुश होती सर, दोहरा चरित्र नहीं, तब नहीं खुश होते, दोहरा चरित्र बिल्कुल नहीं रखते, इतनी हिम्मत तो रहती सर, इतनी हिम्मत बोलने की, यहाँ बैठे नहीं, हाँ आरोप लगा रहे हैं फजील अहमद, आरोप लगा रहे हैं, आपकी सोच दिखती है, आपकी सोच दिखती है, आप अपनी सोच हम पर ना दोगे, हम बिल्कुल फ्री हैं अपनी बात रहने के लिए, और मेरा चैनल खास कर मैं कहना चाहूंगी, कि मेरे चैनल के तमाम हेड, मेरे चैनल के तमाम हेड फजील अहमद, आपको यकीन ना हो, आप बाहर जाकर पूछ लेना, मेरे चैनल के तमाम हेड ये अधिकार देते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता से अगर आपको लगता है ये सवाल पूछना चाहिए, तो आप जरूर पूछिए, वो सरकार से हो, वो पक्ष से हो, विपक्ष से हो, फजील अहमद प्लीज, हमारी बुराई करते हैं, हम सुन लेते हमारी बुराई करते हैं, सुनील कौशिक, ये जो केवल देखिए, केवल हिंदू पक्ष में लड़ाई नहीं दिख रही है सुनील कौशिक, ये कहीं ना कहीं 5 एकड़ भूमि को लेकर भी जिस तरीके से बात हो रही है कैसे देखेंगे सर, ये तो 15-16 खुद बटे हुए, 15-16 करोड़ को को काम कर रहे हैं, 40 करोड़ है, खास ये अगर यहाँ ये तो पक्षकार को देने की बात हुई है, ये तो पक्षकार को देने की बात, सुन्नी वक्फ बोर्ड तो नहीं कह रहा है, इससे ज्यादा और बड़ा बयान क्या हो सकता है आपका, उस कमेटी के आप उन्हीं को स्वीकार करने को तैयार नहीं, रखे अपना प्रस्ताव, आपका हिस्सा है, उस पर विचार करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा किसी पक्ष से कि आप कहाँ मांगेंगे, सरकार उसके बाद क्वेश्चन मार्क उठता है कि उनको वहां जमीन चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन पहले वो आदेश तो आने दें, पहले वो जमीन का टुकड़ा चिन्हित तो होने दें, नहीं तो फिर ये चंद जो लोग हैं जो कहते हैं हमें खैरात में नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, तो ये तो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, शांति भंग करने की कोशिश है, राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश है, उनकी राजनीतिक रोटियां इसी से चलती हैं, ये सारे लोग जानते हैं, वो एक और बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर से, उन्होंने कहा है बिल्कुल ऐसे कुछ प्रपंच चेहरे हैं जो शांति नहीं चाहते हैं, और वो किसी भी हाथ जा सकते हैं, वो किसी भी हाथ जा सकते हैं, वही कह रहा हूँ, हम मस्जिद छोड़ दे, हम अपना घर छोड़ दे, हम देश छोड़ दे, कहाँ कहाँ छोड़ दे, आपको क्या क्या लेना चाहते हो, कुछ नहीं छोड़ने वाले, किसी के एहसान से देश में नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से है देश में, किसी के एहसान से नहीं है, संविधान का हवाला वो फजील अहमद दे रहे हैं जो कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं, इसी शो में आपके दो व्यक्तित्व
अभी आपने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया और अभी आप वही भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कह रहे हैं। कितने चेहरे दिखाएंगे सर, कितने चेहरे? फजील अहमद सोचिए बोलने से पहले। अभी आपने संविधान को धोखा दिया, अभी आपने संविधान को भर्ती नहीं होती, आज एम्स में इलाज नहीं हो रहा गरीब, आम आदमी का इलाज नहीं हो रहा। भारत को सोने की चिड़िया हमने हमारे राज में कही गई और 800 साल हमने सेवा की, दोनों पीढ़ियां दफन है हमारी इस देश के अंदर। जयचंद ने लुटवाया, हमने नहीं लुटा, जयचंद ने लुटवाया, लुटेरे उस देश के जयचंद ने लुटवाया। पीटो छाबर को बुलाया जयचंद, पीटो मोहम्मद गौरी को बुलाया जयचंद, रो देश का जयचंद आदमी। चलिए कौन है ये जयचंद? कांग्रेस है ना? श्वेता जी, अरे जयचंद कांग्रेस है, क्लियर करे तिवारी जी। श्वेता जी, ये जयचंद कांग्रेस है इस देश में। लास्ट, और ये भाई कह रहे लास्ट, वक्त नहीं बचा है सर, वक्त नहीं बचा है। एक लास्ट कहूंगा, वो वक्त भी आ गया, फजील जैसे रो रहे हैं, पीट रहे, छाते पीट रहे हैं। पीटो पीटो भैया, पीटो जितना। मनोज तिवारी जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? लास्ट कमेंट लूंगी, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे तो, नहीं तो मैं एंड करूंगा। श्वेता जी, श्वेता जी एक मिनट, मेरा सवाल है, श्वेता जी मेरा सवाल है मनोज जी से, ये जो फजील भाई ने बात उठाई है ये इनका आपसी मामला है, वो जयचंद कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, क्लियर करें उसको कौन सा है? आज बड़ी तसल्ली हुई है, फजील भाई रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हाय हाय मनोज तिवारी, रो खूब रो, सबसे पहली बात हाय हाय करो, इसके हाय हाय करो, हाय हाय करो। क्लोजिंग कमेंट चाहिए सर, क्लोजिंग कमेंट, क्लोजिंग कमेंट। दो चेहरे हमने दिखा दिए, हमने दिखा दिया कौन क्या चाहता है, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाह रही हूं सर। मेरी बात सुनिए जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रिट पिटीशन दायर हुआ, उसको रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, और हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार जो है ट्रस्ट के निर्माण की जो अवधि सरकार के कोर्ट के द्वारा तय की गई है उस अवधि में अंदर ट्रस्ट बनाए और राम मंदिर का भव्य निर्माण करे। चलिए ये होगा, ये होगा, तमाम यहाँ बैठे लोग इनकार नहीं कर रहे, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। इस मुद्दे पर चर्चा जो है आने वाले वक्त में भी चलती रहेगी और इसका अंत नहीं है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पॉजिटिव नोट के साथ मैं हमेशा अपने शो को खत्म करती हूं, तो आज पॉजिटिव नोट यही कि देखिए, समझिए, सोचिए जरूर कि किस तरीके से एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं। जब कहा जा रहा था कि फैसला सर्वमान्य होगा तो फिर सर्वमान्य आज क्यों नहीं है? क्यों पिटीशन दायर की जा रही है? क्या इसके पीछे साजिश है? क्यों, क्या मंदिर निर्माण पर अभी भी राजनीति हो रही है? यह आपको समझने की कोशिश करनी है, और जिस दिन आप समझ गए, आप समझ जाएंगे कि मूल क्या है इसमें, कौन राजनीति कर रहा है, कौन चाहता है कि यह मुद्दा जो है वो इनकैश होता रहे। फिलहाल इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहां पे खत्म करूंगी। सब तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।